नमस्कार जी, नमस्कार हमें आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर, सर। नमस्कार। सर, जी क्या सर, आप जियो कस्टमर सर्विस से बात कर रहे हो? हाँ बोलिए सर। 65 रुपये वाला प्लान है, उसमें 5G अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है ना? जी और ये 3 तारीख के बाद जियो कस्टमर केयर से कैसे बात करें? आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। एक्चुअली में क्या है, आप लोग भी चाहते हो जो जियो का सपोर्ट टीम है, जियो कस्टमर सर्विस है, उससे आप लोग बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ फ्रेंड, जिसके बाद में आप लोग इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बात कर पाओगे। और वो कौन सा कॉन्टेक्ट नंबर होने वाला है हेल्प सेंटर का एंड गाइस यहाँ पे हेल्प सपोर्ट का, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसी स्थिति में आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आना है। ऑफिशियली आप लोग कोई शिकायत करना चाहते हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप लोग चाहते हो कस्टमर सर्विस से बात करके और उससे जानकारी लेना या फिर शिकायत करना, तो उसके लिए आपको गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद में सर्च बार में जाना है, आपको 198 डायल करना है और यहाँ से नंबर कोड लगा देना है। वेलकम टू अब जैसे फ्रेंड आप लोग नंबर लगाते हो, आपको थोड़ा वेट करना है। रिचार्ज के लिए उपलब्ध नहीं है, आप आज ही ₹666 से रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के अब बारे आपको में फ्रेंड जानने यहीं पे के दो लिए दबाना दो है। दबाएं। नेक्स्ट, आपका वर्तमान प्लान ₹600 वेट करना है फ्रेंड आपको यहाँ पे थोड़ी देर। आखिरी रिचार्ज करना है, ध्यान से समझना है, आप लोग डायरेक्ट कस्टमर सर्विस से बात कर पाओगे, कस्टमर केयर से बात कर पाओगे। ओके फ्रेंड, आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। 1.5 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है, हो जाएगा आप माई जियो ऐप। अब यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे कि फ्रेंड जो भी आपका एक्स्ट्रा प्लान होता है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। हर बद प्लान को सक्रिय कर सकते हैं, पिछले 30 दिनों में अपने रिचार्ज के बारे में जानने के लिए 1 दबाएं। अब आपको यहीं पे फ्रेंड थोड़ी देर वेट करना है। ओके, वेट करने के बाद में 2 दबाएं। अपने आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 3 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने अब यहीं पे आपको दबाना है। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। अब आपको यहाँ पे 9 दबा देना है फ्रेंड। जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी ओके 9 दबाने के बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना है। महत्वपूर्ण है, कॉल के बाद आपका कॉल ऑटोमेटेड सर्वे में ट्रांसफर हो जाएगा। कृपया एडवाइजर से बातचीत के अनुभव को 1 से 5 के बीच रेट करें, जहाँ 1 सबसे कम और 5 सबसे अधिक है। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार नमस्कार आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर। नमस्कार। सर, जी सर, क्या आप जियो कस्टमर सर्विस से बात कर रहे हो? हाँ बोलिए सर। एक्चुअली क्या है सर, जैसे कि इस टाइम पे आपको ही पता होगा जो 666 रुपये वाला प्लान है उसमें 5G अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है ना? जी। और ये तीन क्या 3 तारीख के बाद में भी कंटिन्यू मिलता रहेगा उसी प्लान में? जी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, लाइन पे रहेगा। ओके, जैसे कि एक हाँ सर, ट्रिपल सिक्स का भी अगर आप आज रिचार्ज करवाते हैं हाँ तो एलिजिबल रहेंगे सर 5G के लिए। सर एक्चुअली क्या है, देखो मैंने एक प्लान को एक्स्ट्रा किया है, जैसे कि 666 वाला अभी मेरा ओल्ड प्लान था जिसमें मेरे को 54 दिन अभी बाकी है, ठीक है, और उस 84 डेज मिलता है। हाँ, उसके बाद में मैंने एक और रिचार्ज मतलब किया है 666 वाला, और वो रिचार्ज पेंडिंग में है। हाँ पेंडिंग में है, मतलब वो अगस्त के महीने में एक्टिवेट हो जाएगा ना, तो उसमें 5G जो ट्रायल है वो मिलेगा ना, वेलकम ऑफर वगैरह? बिल्कुल मिलेगा सर, मैक्सिमम आप 50 रिचार्ज कर सकते हैं सर। ओ, 50 रिचार्ज कर सकते हैं हम।
अच्छा, ये 5G अनलिमिटेड डेटा तो मिलता रहेगा कंटिन्यू? मिलता रहेगा। अच्छा यस सर। शायद जैसे कि ये 3 तारीख के बाद में प्लान वगैरह चेंज हो रहा है उसके चलते कोई समस्या आए। हाँ, अगर 3 तारीख के बाद करोगे तो ये मिलेगा, फिर अभी आप करोगे तो मिल जाएगा। 3 तारीख के बाद में 666 वाला प्लान ही नहीं मिलेगा ना? हाँ नहीं मिलेगा, हाँ 2 GB वाला जो भी रहेगा उसके साथ ही कंटिन्यू होगा सर, 5G। अच्छा, जैसे कि अगर 3 तारीख के बाद में जो भी व्यक्ति रिचार्ज करेगा तो उसमें 2 GB वाला करेगा तभी उसको 5G मिलेगा, हाँ पर डे 2 GB मिलेगा तो तो उसी आपको में 5G मिलेगा सर। अच्छा, जो जो इस टाइम पे हमने किया है उसमें कंटिन्यू मिलता रहेगा? हाँ इसमें कंटिन्यू रहेगा सर, क्योंकि ये आप डे। पुराने बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। ओके सर, ओके, यही जानना था क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी परेशान है और हम भी परेशान हैं। जी जी सर, हाँ ठीक है, इसके अलावा कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी? नहीं सर, आप कोई सहायता नहीं चाहिए, अभी मैं आपके कॉल को समझ ही गए होंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आपको आया होगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।